वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू SSC एंड RRB एक्सप्रेस। तो आज हम यहाँ पे पार्ट 5 करते हैं करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। आपको पता ही है कि हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं मंडे से लेके थर्सडे तक, रोज सुबह 9:30 बजे मतलब 9:30 AM पे, जिसमें मंडे और वेनेसडे को हम करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं और ट्यूजडे थर्सडे को हम स्टैटिक या जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। तो इसके चार पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पाँचवा पार्ट है। ठीक है, इसी के साथ आपका एक स्टैटिक फ्री स्टैटिक ट्रिक्स का वीक स्टार्ट होने वाला है 21 दिसंबर से, जो कि 21 दिसंबर से लेके 27 तक चलेगा। मतलब ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो आपके ट्रिक गुरु हैं विष्णु सर, वो इसमें सारे जो आपके स्टैटिक के टॉपिक हैं उनको कवर कराएंगे विद ट्रिक्स। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नए वीडियो या नोटिफिकेशन यहाँ से मिस ना कर पाएं, और ये बेल आइकन है इसे जरूर हिट करें, क्योंकि कोई भी हम नया वीडियो या कुछ भी डालेंगे तो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन क्राउन्ड एज मिस वर्ल्ड 2019, मिस वर्ल्ड 2019 का ताज किसे पहनाया गया? मैं 5 सेकेंड दूंगी आपको आंसर करने के लिए, 5 सेकेंड में जल्दी जल्दी आप कमेंट्स में अपने आंसर करिए। ओके, तो मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला ऑप्शन 1 टोनी एन सिंह। ठीक है, टोनी एन सिंह जो है उनको मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला मिस वर्ल्ड 2019 का। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा कि वो जमैका से है, शी इज फ्रॉम जमैका। ठीक है, अगला देखिए, व्हेन इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड, विजय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से 5 सेकेंड है आपके पास, 5 सेकेंड में जल्दी से कमेंट सेशन में अपना आंसर करिए। यस, सो विजय दिवस मनाया जाता है ऑप्शन 4 16 दिसंबर। ठीक है, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 वॉर में जो युद्ध हुआ था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान पे जीत हासिल की थी। ठीक है, इंडिया सेलिब्रेट विक्ट्री टू ओवर पाकिस्तान। ठीक है, तो इसीलिए ये विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। अगला देखिए, एंटोनियो कोस्टा विल विजिट इंडिया फॉर 2 डेज, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एंटोनियो कोस्टा 2 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। एंटोनियो कोस्टा करके हैं, एक प्रधानमंत्री हैं, तो वो 2 दिन के लिए भारत यात्रा पे आएंगे। तो आपको ये बताना है कि वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं, किस देश के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। जल्दी से 5 सेकेंड स्टार्ट नाउ। यस, सो ही इज पोर्टुगल, ही इज अ पोर्टुगल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वो पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है पोर्टुगल के। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट हैज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडियाज रैंक इन द जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज? ठीक है, लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक भारत किस स्थान पर है? विश्व आर्थिक मंच ने क्या जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जारी करता है जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट। तो आपको बताना है कि उसमें भारत का रैंक क्या है, भारत किस स्थान पर है। जल्दी से 5 सेकेंड स्टार्ट नाउ, जल्दी से आंसर करिए। यस, सो इंडिया का रैंक है ऑप्शन 112, 112 है भारत का रैंक, भारत 112 स्थान पर है। ठीक है, इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि पहली सूची पे कौन है, मतलब सूची में पहले पे कौन है, टॉप किसने करा है लिस्ट को, तो वो करा है आइसलैंड ने। ठीक है, आइसलैंड टॉप द लिस्ट। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि वर्स्ट पे कौन है, मतलब सबसे नीचा स्थान किसको मिला है, सबसे नीची रैंक किसकी है, तो वो है यमन की, और कितनी है 153। ठीक है, 153 रैंक है येमेन की स्थान, और आइसलैंड है फर्स्ट पे, मतलब पहला स्थान आइसलैंड का है। अगला देखिए, इंडिया डोनेटेड सोलर पावर्ड स्टडी लैंप्स टू द चिल्ड्रन ऑफ विच कंट्री? भारत ने किस देश के बच्चों को सौर ऊर्जा संचालित अध्ययनन लैंप दान किया? ठीक है, सोलर पावर्ड स्टडी लैंप, सौर ऊर्जा संचालित अध्ययनन लैंप किस कंट्री के बच्चों को, किस देश के बच्चों को दान करा है भारत ने? 5 सेकेंड स्टार्ट नाउ। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन, तो यहाँ के बच्चों को इंडिया ने सोलर पावर लैम्प डोनेट करा है। ठीक है, इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे जो है उन्होंने ये लैम्प सप्लाई करेंगे। ठीक है, IIT बॉम्बे विल सप्लाई दिस। ठीक है, अगला देखिए,
विच स्टेट टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च्ड बाय नीति आयोग. नीति आयोग जो है नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, मतलब कौन सा स्टेट है जो पहले स्थान पर है. जल्दी से इसका आंसर करिए, 5 सेकेंड्स. यस, सो टॉप पर है ऑप्शन टू कर्नाटक. ठीक है, तो कर्नाटक वो राज्य है, वो स्टेट है जिसने टॉप करा है. इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु. ठीक है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और तीसरे पे है महाराष्ट्र. ठीक है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है. इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि ये जो नीति आयोग है ये आपका आया था, ये कब बना था, ये स्टेब्लिश हुआ था 2015 में. 2015 में नीति आयोग स्टेब्लिश हुआ था 2015 में. अगला देखिए, विच स्टेट टूरिज्म बोर्ड विल ऑर्गेनाइज अ सिटी वॉक फेस्टिवल टू प्रमोट टूरिज्म. किस राज्य का पर्यटन बोर्ड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिटी वॉक फेस्टिवल का आयोजन करेगा. ठीक है, मतलब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन से स्टेट का, कौन से राज्य का पर्यटन बोर्ड है जो सिटी वॉक फेस्टिवल करके एक आयोजन करेगा. चलिए 5 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी अपने आंसर करिए कमेंट्स में. यस, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश. ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो राज्य है वो इस चीज को प्रमोट, सिटी वॉक फेस्टिवल करेगा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिटी वॉक फेस्टिवल. ठीक है, अगला देखिए, वे इज द फेस्टिवल फूल पत्ती सेलिब्रेटेड. त्योहार फूल पत्ती कहाँ मनाया जाता है, फूल पत्ती करके त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है. जल्दी से 5 सेकंड आपके अब स्टार्ट होते हैं, कमेंट्स करिए. फूल यानी कि फ्लावर और पत्ती को हम बोलते हैं इंग्लिश में लीव्स, तो कौन से देश में मनाया जाता है. यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, नेपाल. ठीक है, ये जो फूल पत्ती त्योहार है ये नेपाल में मनाया जाता है. ठीक है, अगला देखिए, Who has been appointed as the chairman and managing director of Punjab National Bank? Punjab National Bank जो एक public sector bank है, government bank है, तो आपको बताना है उसके अध्यक्ष यानी कि chairman और प्रबंध निदेशक यानी कि managing director के रूप में किससे नियुक्त किया गया है. जल्दी से आपके 5 सेकंड स्टार्ट हो गए हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए कि कौन है. यस, सो ऑप्शन थ्री, SS मल्लिकार्जुन राव. ठीक है, SS मल्लिकार्जुन राव है जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक. ठीक है, और उनसे पहले थे सुनील मेहता, ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने सुनील मेहता को रिप्लेस किया, मतलब वो सुनील मेहता की जगह आए हैं. साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है न्यू दिल्ली में. ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में है. और पंजाब नेशनल बैंक कब बना था, ये बना था 1894 में. ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में एस्टेब्लिश हुआ था. ओके, अगला देखिए, व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड. विश्व छात्र दिवस कब होता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व छात्र दिवस कब होता है. 5 सेकंड आपके शुरू हो गए हैं. यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, 15 अक्टूबर. ठीक है, 15 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे. ठीक है, और 2010 में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने घोषित करा था कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व छात्र दिवस मनाया जाएगा. अगला देखिए, हु वन द मेन्स जापान ओपन टेनिस टाइटल. पुरुषों का जापान ओपन टेनिस खिताब किसने जीता, मेन्स सिंगल ओपन टाइटल, पुरुषों का मेन्स जापान ओपन टाइटल किसने जीता, टेनिस टाइटल. जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, जल्दी. यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, नोवाक जोकोविक. नोवाक जोकोविक जो है एक टेनिस प्लेयर, उन्होंने जीता है जो कि कहां से है, सर्बिया से. याद रखिएगा कि वो सर्बिया से हैं. और उन्होंने हराया किसे है, उन्होंने जॉन मिलमैन जो है उनको हराया है. जॉन मिलमैन कहां से है, वो ऑस्ट्रेलिया से है. ठीक है, अगला देखिए, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. किस राज्य मंत्रिमंडल ने भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है, जो इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आएगी, तो कौन से राज्य के मंत्रिमंडल कैबिनेट है जिन्होंने इसकी मंजूरी दी है, इसको अप्रूवल दिया है स्टेट फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए. जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा.
यस ऑप्शन 4 दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली का वो राज्य कैबिनेट है जिसने अप्रूवल दिया है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए, खेल विश्वविद्यालय के लिए। अगला देखें, विच बैंक हैज लॉन्च द ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट एक्सप्रेस एफडी। किस बैंक ने ऑनलाइन सावधि जमा उत्पाद, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट, फिक्स एक्सप्रेस एफडी करके शुरू किया है। एक्सप्रेस एफडी मतलब एक्सप्रेस फिक्स डिपॉजिट। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने करा है एक्सप्रेस एफडी। एक्सिस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, अगला देखिए, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द डिजाइन फेयर टू शोकेस द आर्ट वर्क। किस देश ने कलाकृति का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन मेला आयोजित किया, आर्ट वर्क को शोकेस करने के लिए डिजाइन फेयर ऑर्गेनाइज करा, डिजाइन मेला आयोजित किया कलाकृति का प्रदर्शन करने के लिए, कौन से कंट्री ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, जापान। ठीक है, तो जापान वो कंट्री है जिसने डिजाइन फेयर ऑर्गेनाइज कराया। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल, उपराज्यपाल को हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, किससे नियुक्त किया गया है लद्दाख? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, 5 सेकेंड्स आपके पास। यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, तो लद्दाख के जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले उपराज्यपाल बने हैं वो है राधा कृष्ण माथुर। तो इसी के साथ आपका ये सेशन यहीं पर ही खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकन है इसे जरूर हिट करें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ उसको हिट करने से आपके पास सारी नोटिफिकेशन डिटेल्स आ जाएंगे। और एक आपका स्टैटिक जीके ट्रिक्स का वीक स्टार्ट हुआ है जो आपके ट्रिक गुरु विष्णु सर ले रहे हैं, जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, अब वो 27 तक चलेगा, तो उसको जरूर देखिए। उसमें आपके सारे स्टैटिक के टॉपिक्स कवर कराए हैं विथ ट्रिक्स, तो वो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए कि आप और किस टाइप के एमसीक्यूज चाह रहे हैं। जैसे मेरे पास पॉलिटी के एमसीक्यूज की बहुत रिक्वेस्ट आई है, जनरल साइंस की आई है, तो वो हम डेफिनेटली अपने सेशंस में अब लेकर आएंगे। ओके।